मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। बहुत बहुत वेलकम। तो यहाँ पर आके मैं बैठती हूँ, बैठकर बातें करते हैं। कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इजी सवाल पूछिए बस, बहुत डिफिकल्ट, भाग जाओ। नहीं, हम भागने नहीं देंगे, आज तो पकड़ ही लेंगे। त्यांचा आपण त्यांच्याशी चर्चा सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांचा थोडक्यात परिचय करू। कॅमेराकडे बघा, मॅडम समोर मध्ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमने एक बहुत ही अच्छा दिन चुना है। हालांकि मेरा ये कहना है कि ये दिन तो रोज़ हम मनाते हैं, लेकिन 8 मार्च हमने इसलिए चुना क्योंकि इस दिन हम रिकग्नाइज़ करते हैं एक औरत की शक्ति को। आज हमने मैंने निर्भया के साथ जुड़ने का ये मेरी सोच बहुत दिनों से थी, लेकिन जब आप कोई चीज़ सोचते हो कुदरत अपने आप ये लोग चीज़ें के लिए बना देते हैं। तो मेरा निर्भया का मेरे लिए जो एक औरतों के लिए नारी के लिए जो स्क्वाड कर रहा है उसके लिए मैं चाहती थी कि मैं किसी भी तरह इनको उसके स्क्वाड के साथ जुड़ूँ, और मैं जुड़ी और आज ही के दिन जुड़ी। मुझे बहुत ही खुशी है, ये स्क्वाड जो काम कर रहा है उसके लिए बहुत अभिनंदन। नेत्रा जी को अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत काम किया है स्क्वाड के लिए। ये स्क्वाड किसी भी नारी को कोई भी कठिन परिस्थिति में सुरक्षित रखने का इन्होंने प्रॉमिस जो किया है वो करमबंद है, और मैं ऐसे स्क्वाड के साथ जुड़ना चाहूँगी। वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि जिस दिन से एक औरत औरत पैदा हुई वो खुद ही एम्पावर्ड है, वो बस समझती नहीं है ये चीज़, और सामाजिक और सोशल दबाव में आके वो अपनी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, अपना ग्रोथ अपना प्रोग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। लेकिन हर नारी में वो शक्ति है, हर नारी में वो क्या कहते हैं जो मैंने कहा शक्ति है कि वो कोई चीज़ करे, और आज अभी वो समझने लगी है। सो इन एवरी फील्ड यू सी कि बहुत औरतें हमारे फील्ड में देखिए या इनके फील्ड में देखिए, बहुत ही औरतें औरतों के लिए चीज़ें हो रही हैं। और 2012 में जो हुई थी निर्भया की, जो वेरी सैड थिंग दैट हैपेंड विच शुक द एंटायर नेशन, तो उसके बाद ये स्क्वाड को आना बहुत ज़रूरी था। इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, जो एडवर्सिटीज़ जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो बढ़ रहा है ये बहुत ज़रूरी था। आज के जनरेशन के वुमेन्स को क्या कुछ बोलना चाहिए? आज के जनरेशन के वुमेन जो है तो वैसे ही जो कल के जनरेशन की वुमेन थी, कोई फ़र्क नहीं है। बस जो मैंने कहा कि वो शायद अभी समझने लगी हैं कि हमारी जो अंदर की जो शक्ति है, इट्स टाइम फॉर इट टू कम आउटसाइड एंड फॉर अस टू शो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग रिबेल बने, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक औरत औरत है। एक औरत को जो स्त्री स त र सत्वा तमस और राजस, एक स्त्री बनी है ये तीन तत्व से। एक तो ये स त र जो होता है, ये स होता है एक औरत जो
कंपैशनेट होती है, द होता है तमस जो एक औरत पेशेंट होती है, और र होता है रजस जो मल्टीटास्किंग होता है, जो एक औरत को वो ड्राइव देता है कुछ करने के लिए, इसीलिए हमारे हम 10 काम एक टाइम पे कर सकते हैं। तो ये हमको सोचना चाहिए कि कुदरत ने, भगवान ने मर्दों को ऐसे क्यों नहीं बनाया, औरतों को इतनी चीज़ें क्यों दी। सो इट्स गुड टू बी अ फेमिनिस्ट, इट्स गुड टू से दैट मैं ये भी पहन सकती हूँ, वो भी पहन सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, लेकिन वक्त का तकाजा होना बहुत ज़रूरी है कि उनको किस टाइप पे कौन सी चीज़ करनी है, ये भी समझ भगवान ने औरतों को ही दी है, मर्दों को नहीं दी है, इसलिए समझना और ये करना बहुत ज़रूरी है। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट डू यू वांट टू शेयर? Should we share projects in this? I don't know if I should share my projects right now. We're here to celebrate women. Let's just do that. Thank you. Thank you. एक मिनट। 12 तारीख को 6:30 बजे निर्भया स्क्वाड को लेके हमने कार्टर रोड पे एक इवेंट रखा है, जहाँ पे हम लोगों को और एजुकेट करना चाहेंगे कि ये स्क्वाड क्या काम कर रहा है, और अगर बॉम्बे की महिलाओं को कोई भी अगर समस्या में वो आती हैं या कोई भी प्रॉब्लम में आती हैं, तो हाउ दे कैन रीच आउट टू दिस स्क्वाड। सो इट्स बेसिकली जस्ट टू अगेन सेलिब्रेट निर्भया, द लॉन्च ऑफ निर्भया, एंड टू एजुकेट पीपल। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग प्लीज़ आइए टू अंडरस्टैंड व्हाट द इवेंट इज़ ऑल अबाउट। इधर से आपको कुछ नहीं बोलना, मैं ही बोलूँ। आपने सब बोल दिया हमारा। थैंक यू।